तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गॉड ऑफ वॉर के कौन है धासु गेम प्ले वीडियो में। तो यार लास्ट वीडियो में हमने यहीं से ये पॉमेल लिया एक्स का, और अब हम जो है एक्स पे पॉमेल लगा के मतलब पावरफुल एकदम एक्स को बना के अब अपन चलते हैं एक और नए मैप में। तो मैप में जाने के लिए हमें जाना होगा पहले ब्रुक शॉप, एंड उसके बाद हम टाइम ट्रैवल वाला जो रूम है उधर जाएंगे। कहने का मतलब ये है यार, आज अपन लोग एक नया मैप एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंड भाई साहब मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। स्वर्ग का दरवाज़ा खुल चुका है, एंड अपन लोग स्वर्ग का दरवाज़ा खोल के उधर पहुंचेंगे। तो देखो यार मैप, हाँ मैप दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पे है टाइम ट्रैवल रूम, यहाँ पे जाके अपन जो है उस वाले मैप में ट्रैवल करके जाएंगे, एंड भाई साहब उधर धूम मचाएंगे, क्योंकि वो मैप ना भाई इतना ख़तरनाक मेरे को लगता है। मतलब मैप तो छोटा ही है, बट यार उसके अंदर का जो एरिया है और जो वहाँ पे लोकेशंस हैं, मतलब भाई एकदम पहाड़ी पे चढ़ना होता है उधर, मतलब मज़ा ही आ जाती है। अलग अलग लोकेशंस मतलब यार ट्रैवल करने में देखने में मज़ा आती है। तो कुल मिला के आपको आना है इस वाले रियल में, रियलिज्म में जो भी इसको बोलते हैं, और आपको ट्रैवल पे क्लिक करना है, एंड भाई साहब आप ट्रैवल करके जो है दूसरे वाले मैप में जाओगे, एंड वहाँ पे भाई साहब जो मज़ा आती है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे बने रहो यार वीडियो में, गेम प्ले में बहुत मज़ा आने वाली है, एंड मेरे को स्पेशली सबसे ज़्यादा मज़ा आती है। तो फिलहाल ये हो चुका है बंद, और ये पूरा रेड रेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जो थीम है उसका बेस कलर रेड है। तो इस वाले मैप में पूरा रेडिश ही दिखता है कुल मिला के, आप इसे गुलाब का फूल भी बोल सकते हो मेरी तरह, जैसा कि मैं बोलता हूँ गुलाब वाली मैप, तो आप भी बोल सकते हो। फिलहाल ये मैप पूरा रेड कलर के ऊपर बेस है, और यहाँ पे ना वॉल्केनो वगैरह है, लावा पूरा रहता है भाई, पूरा पहाड़ी रहती है, मतलब पहाड़ी और वॉल्केनो। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि वॉल्केनो और उसकी केव है, और उस केव के अंदर जो पूरा मैप है और वेलकरी वगैरह सारा कुछ है उधर, पूरा जुगाड़ बैठाया होता है भाई। तो ये है पूरा, ये देखो छोटी छोटी वॉल्केनो है, एंड कुल मिला के ये मैप है। देखो क्रेटोस अपना इधर है, और ये जो पूरा मैप है पूरा रेड है, पूरा खंडर है पूरा यार, मतलब बेकार सा एरिया, पर देखने में एकदम पुराना रहस्यमय खंडर है। तो कुल मिला के अपने को जाना है एकदम सीधा आगे, और मैं पता नहीं क्यों पुनीत सुपरस्टार का फ्लो पकड़ रहा हूँ, भाई गजब आदमी है यार पुनीत भाई, मज़ा आ जाती है। तो कौन कौन पुनीत सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहा है प्लीज़ कमेंट में बता दियो अगर आप लोग देख रहे हो। फिलहाल मैं भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत जितना मेरे से बनता है। बढ़िया आदमी यार, फनी है, अच्छा है, और क्या चाहिए अपने को, बढ़िया इंसान है यार, क्या दिक्कत है। तो फिलहाल ये क्या बवाल है भैया। तो सबसे पहले ये जो लोकेशन है इसको अनलॉक कर लेना है आपने ही दबा के, मैं ऑलरेडी एक बार आ चुका हूँ इसलिए मेरे को अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे से अपने को ऊपर चढ़ना है जहाँ से ये लावा नीचे गिर रहा है, और बिल्कुल भी रिस्क नहीं है यार, क्योंकि आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। आपको इधर ऊपर चढ़ना है और जंप दबाना है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाना है जंप दबा के, फिर उसके बाद स्पेस जंप दबाओ, जंप करते करते आपको पूरा ये पार करना है, नीचे उतर जाना है, बस इतना ही करना है, उसके बाद आप सीधा सिंपल से इधर जाओ। एंड यहाँ पे ये जो तलवार है ये ज़मीन के अंदर घुसी हुई है, यहीं से काम होता है मेन शुरू, यहीं से आपको मिशन करने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मिशन कंप्लीट करके, पहला मिशन मैं अभी करने जा रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट द चैलेंज पे किया, स्पेस दबाई, एंड यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं ये मिलने मेरे को शुरू हो जाएंगे। फिलहाल तो ये ट्रायल है, बट भाई है ख़तरनाक। किल एनिमीज इन क्विक सक्सेशन, अच्छा किल एनिमीज, सॉरी व्हाट द फक, किल एनिमीज, ओके। तो अपन जो है एनिमीज को मारते हैं जल्दी से जल्दी, अपने को तीन एनिमी जो है वो बहुत ही फास्ट मारने पड़ेंगे। जितनी फास्ट मैं ये तीन एनिमीज़ को मारूंगा, मतलब तीन के तीन तीन ख़त्म हो जाए और एक नया कोई भी आ ना पाए, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने दो मार दिए और तीसरा वाला फटाफट से आ जाएगा तो फिर दिक्कत है, फिर मेरे को स्टार्टिंग से तीन मारने पड़ेंगे। मेरे को तीनों के तीनों मारने हैं, एंड उसमें से कोई जल्दी से वापस से दोबारा से आ ना सके, समझ रहे हो। तो ये बड़ा वाला जो बुढ़ा एनिमी है ससुरा, ये जल्दी मरता नहीं है, एबिलिटी मेरी इस पर लगती नहीं, पता ना क्या दिक्कत है, इसको कमजोरी है या शीघ्र पतन की समस्या, पता नहीं भाई, पर ठीक है बढ़िया। इसको अपने को पहनने में बड़ी दिक्कत होगी यार। तो पहली स्टेज तो मैंने कंप्लीट करी थी, सेकंड स्टेज में ये भालू आ गया गोरिल्ला कहीं का, ओ भाई साहब स्टन, मर जा मर जा मर जा मर जा, बूम मरा, मार दे तेरी माँ का, चल बच्चा बच्चा समझदार है, एक मार दिया, अभी दो और मारने रे। प्रोटेक्शन ऑफ वेलकरीज वो 10% थी, उसके बाद कम हो गई यार,
थोड़ा देर तक रहे तो मजा आए इधर ही मदर। ओ भाई साहब ऐसे शील्ड से नहीं बनेगा काम। तो जितनी जल्दी मैं इनको, अरे निकल गई। चलो गिफ्ट ऑफ डिफेंस, चलो निकल गई। वो तो डिफेंस तगड़ा मिल रहा था मेरे को कुल मिला के, बढ़िया। अभी तीसरा वाला जो है ये भालू फिर से आ गया। कुल मिला के अपने को ये दोनों एक स्पॉन होने के टाइम के अंदर मारना है। जैसे मान लो मेरे को एक मिनट मिला तो मेरे को एक मिनट के अंदर ये दोनों को मारना पड़ेगा। और दोबारा से अगर मेरे को एक मिनट क्रॉस हो गया तो ये दोबारा से आ जाएंगे दोनों के दोनों, फिर मेरे को दोबारा मारना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही चक्कर है, मेरे को जल्दी से जल्दी इन दोनों को मारना पड़ेगा क्योंकि ये भूतरी ना दोबारा आ चुकी है, साली बालवीर की छठी औलाद। ओके तो इसको मैं ज़मीन के अंदर ही घुसा दूंगा इस बार। अरे यार वहाँ तक, ओ भाई घुसी नहीं घुसी, कॉम्बो मारते अपन, रुको जरा। तो अरे यार ये भूतनी का फिर आ गया भाई। देखो टाइम समाप्त हो गया ना, टाइम दिखाते नहीं कि कितना दे रहे हैं ये लोग, बट ये फिर भी मतलब ऐसा रहता है कि एक लिमिटेड टाइम रहता है, उसके अंदर दोनों को मारना है। अगर नहीं मारा तो दोबारा से आ जाएंगे और दोबारा से ये अपने को परेशान करेगा। तो यही सबसे बड़ी समस्या है, साला टाइम बहुत कम है। तो इसके खोपड़ी पे मेरे को मारना चाहिए और मैं फालतू के बगलैती कर रहा हूँ अपनी एबिलिटीज़ दिखा के, वो भी बढ़िया है। इस बार शायद से मैं इसे जल्दी मार दूँ। अरे यार फेंक के मारना चाहिए था मेरे को। ओ भाई गई, ओ भाई। अरे यार मेरे को रेड ऑफ क्योस निकालना चाहिए। चल आजा बेटे, चल बेटा, चलो फिनिश। अरे यार ये फिर आ गया चमगादड़ साले, पनौती छठी। अरे ये इसको पार कर जाती है भाई, पता नहीं क्या दिख रहा है। ओके इसका डैमेज थोड़ा सा कम है, एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। ये इसका डैमेज भाई बवाल है, मतलब ये वाला जो एशियंट वाला जो मूव है इसका डैमेज भाई खतरनाक, तेरी माँ। चलो निपट गया। ओके गरीबों के सहनसा ये फिर आ गई यार, गजब। ये मरतीच नहीं है भाई, ये मरतीच नहीं थी, अब मरेगी, अब मरेगी। अरे यार शट, हैवी अटैक मारता हूँ जब तक निकल जाती है वो चुड़ैल। इसको इस बार ना छोड़ना नहीं है भाई मेरे को, फटाफट इसे मारना है। अरे अब तो नहीं छोड़ता मैं इसे। बूम, ये गई भाई। अरे यार ये गेटा फिर आ गया। मैं क्या गुंडा बनूंगा, मैं साला गुंडा ही नहीं बन पा रहा हूँ। अब किन लो, सिर्फ एबिलिटी मारूंगा, एक्स की एबिलिटी भी मारूंगा, काम ख़त्म। मैं आजा, कितना परेशान कर रहा है ये मेरे को। अगर मैं टाइम पास ऐसे करता रहूँगा तो लग जाएंगे मेरे। इससे अच्छा है थोड़ा पीछे जाता हूँ। अरे ये वो भूतरी भी आ गई लग रहा, दोनों की दोनों आ गई। अब मैं मारूँगा एबिलिटी, दोनों को साथ में मारूँगा सारा, टाइम ख़त्म होने का टाइम ही नहीं दूंगा मैं। एक मरा, दोनों को साथ में मारने का डिसीजन ना बिल्कुल सही है। ये मरा, अब इसकी बारी है, ये मरेगी फ्रेश एंड फ्रीजी वाले से। ये बात, ये दिमाग लगाया मैंने। आया स्टे फोकस, देखा भाई दोनों को साथ में मारो, एक को आगे पीछे मारोगे तो फिर से आ जाते हैं ये दोनों। तो अगर कोई इस मिशन पे बार बार अटक रहा है जैसे मैं अटक रहा था तो यही दिक्कत है। अबे ये भेड़िया किधर से आया, छाला छठी फेल। चार लौंडे हैं मतलब चार डेथ डिफेंडर्स डिफेंस, अरे जो भी नाम है इनका, खैर छोड़ो। ओ ये तो एबिलिटी से ख़त्म ही हो गया पूरा, क्या तगड़ी एबिलिटी डैमेज है भाई। छोटे मोटे के लिए तो इतनी खास एबिलिटी है। ओ भाई ब्लू पर्पल डैमेज यार, पर्पल वाली लाइन ना खतरनाक लगी मेरे को। वो अबे यार मरी, इतने सारे ये पड़े हुए हैं, मैं उठाऊं कि ना उठाऊं समझ ना आ रही है। साला पैसा ही बहुत है अपने पास गेम के अंदर, उठा ही लेता हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है यार। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है मेरे को। ओ ये भेड़िया, और ये छपकली की छठी औलाद। ओ भाई ओके मर्डरर क्रॉस है भैया, फिनिश कर देंगे इसको। चार लौंडे फिर आ गए, पता ना काहे कब मरेंगे। चारों को इकट्ठे मारना पड़ेगा मेरे को, दो मर गए हैं, दो को और मारना है। लेकिन ये दो हैं किधर, ये वाले दोनों किधर हैं। ये एक तो ये रहा, ये तो जाएगा बेटा, ये तो चला जाएगा। एक बचा ब्लेड ऑफ क्योस एंड ये फिनिश। अरे मार ले रे देवा, अबे एबिलिटी मार देता हूँ नहीं तो बचेगा नहीं, ये मतलब मैं नहीं बचूंगा, एक और आ जाएगा। तीन हो गए, अबे यार इसकी ये ना ब्लेड ऑफ क्योस की दोनों एबिलिटी होनी चाहिए मेरे को। ऐसा लग रहा है कि चार की चार एबिलिटी मेरे को एक साथ माननी पड़ेंगी, पहले एक्स की दोनों एबिलिटीज़, फिर ब्लेड ऑफ क्योस की दोनों एबिलिटीज़, कुल मिला के सब कुछ। अरे भाई कंप्लीट हो गया। ओ कॉम्बो लास्ट में कितना खतरनाक था। कलेक्ट योर रिवॉर्ड। तो यार ये हुआ मिशन ट्रायल वन कंप्लीट, ये तगड़ा आइटम था। तो जैसे आप लोग ये कंप्लीट करोगे आप लोग को मिलेगी एक चेस्ट, और पता है ना इस चेस्ट के अंदर बड़ा ही स्पेशल आइटम मिलता है जो पूरे मैप में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके इस चेस्ट में मिलता है पर अभी नहीं, आगे आगे मिलेगा। मतलब अभी तो ये ट्रायल था ना, जब आपके सारे ट्रायल यानी कि चार पांच ट्रायल जो रहते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको दोबारा जो है रियल वाला मिलेगा खेलने को। इससे भी ज़्यादा हार्ड होता है वो, एकदम गांठ पड़ता आती है भाई।
उस पर मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये फिनिश हो गया, अपने को आगे चलना है, यानी कि आगे सेकेंड स्टेज पे जाना है। सेकेंड स्टेज पे जाके जो है बवाल मचाना है कुल मिला के, समझ रहे हो। तो चलो ये उठा लिया है अपन ने, हेक्सिल्वर थे 715 उठा लेते हैं एंड इसके आगे बढ़ते हैं। आपको यार पूरा एकदम ग्राउंड लेवल में दिखाऊंगा मैं, ये मैप है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जगह जगह ना ये लावा की जो खुला जो पड़ा हुआ है लावा ऐसा गिरता हुआ और बहता हुआ जा रहा है, क्योंकि यार ये पूरी वोल्केनो वाली एरिया है, वोल्केनो फट रही है इधर से एंड फटी फटी इधर उधर गई है। तो कुल मिला के ख़तरनाक है और ये बहुत सही लगता है मेरे को देखने में, सही बताऊँ तो। तो यहाँ पे एक वो जो सामने ये है, आपको इसे एक्टिवेट करना है ई दबा के, या अगर आप कंट्रोलर से खेलते हो तो बी दबा के, समझ रहे हो। और यहाँ पे अपने को वो स्वॉर्ड नहीं दिख रही, हाँ ये सामने ही तो है, अंधा आदमी हूँ मैं अभी साला। ओके कूदना नहीं है, जा लावा में मर जाऊँगा। तो यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और देखते हैं यार यहाँ पे कौन सा चैलेंज आता है इस बार। सर्वाइव फॉर 5 मिनट्स, ये तो आसान होगा, इतना तो मेरे को भरोसा है कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा ही सर्वाइव कर लूँगा यार। इतना कोई भी कितना भी बड़ा एकदम खलीफा आ जाए यार, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, उसको भी झुक के रहना पड़ेगा। और निकल 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 निकल, मर 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 मर, चल निकल एबिलिटी से शुरुआत। और ये तो दगने वाला था भाई, प्रोटेक्शन ऑफ वेलकरीज, पावर ऑफ वेलकरीज एंड गिफ्ट ऑफ डिफेंस सब मिलेगा अपने को। तो भाई साहब प्रोटेक्शन ऑफ वेलकरीज के लिए मैंने लगाया है एक्स के अंदर वेलकरी वाला जो है पॉमेल, क्योंकि वो वाला मैंने चेंज कर दिया, उसमें डैमेज थोड़ा सा कम था। मैंने सिर्फ ये डैमेज के लिए लगाया है क्योंकि मेरे को मिशंस करने थे। अरे बच्चे तेरी गांड फाड़ दी थी मैंने, बच गया तू, बच गया नहीं तो लास्ट शीट बच्चे को ही पढ़ने वाला था, ठीक है। हेल्थ बहुत बड़ी इधर और लौंडे भी बहुत आ गए हैं, दो तो तीन तो भेड़िया है। ये वॉल्फ वॉल्फ मेरे को छोड़ेंगे नहीं अगर मैं बचा नहीं। अरे ये क्या मुँह में लेके आए भाई, मुँह में ले रहे हैं, मुँह में ले रहे हैं ये कुछ ना कुछ। माइनर हेल्थ, ओ भाई थोड़ी सी हेल्थ बढ़ी, माइनर हेल्थ बस्ट, बहुत बढ़िया ये फिनिश। अरे नहीं हुआ, टाइम थोड़ा सा कम है, मायू हुए बहुत हार्ड भाई साहब फिनिश। अरे तेरी चाकू की मैं नान चाकू मारूं, अरे नल्ले बेरोजगार कितना मारना पड़ेगा तुझे। चलो भाई फिनिश। अरे यार एक तो ये ना ब्लास्ट होने वाले एनिमीज ना बड़े दिक्कत करते हैं, मरते टाइम ब्लास्ट होते हैं भाई, ताकि थोड़ी बहुत हेल्थ लेके जाए, समझ रहो। एबिलिटी बहुत हार्ड, ये गया बच्चे तू निकल पीछे, और कोई बच्चा है ये भी जाएगा। अरे यार थोड़ा सा मिस हुआ, लास्ट हिट इसको पढ़ना चाहिए था, समझ रहो। थोड़ी सी बहुत बड़ी, दो हिट, तीसरा हिट में तो ख़त्म ही हो जाएगा, कंफर्म था इसका। और कोई है अगल बगल? ना ही भैया, ब्लेड ऑफ चास निकालना पड़ेगा अब तो मेरे को, तेरी बहन का। एक सेकेंड, ये हील कर रहा है भाई बगल वाला, इसके बगल वाला हील कर रहा है, मैं भी हील कर लेता हूँ थोड़ा सा। ब्लेड ऑफ क्योस निकालूँ कि इसी से काम चला, निकाल ही लेता हूँ, समझ रहो। इसको तो खा ही जाऊँगा मैं कम से, चलो निपट गया, बहुत बढ़िया निकल। ये बढ़िया वाला यार, ऐसे धक्का देता है ना ये ब्लेड में, मतलब ब्लेड ऑफ क्योस वाला जो है, जो ये अपनी चेन फेंक के जो खींच लेता है ना अपने पास, ये वाला मूव खतरनाक लगता है। इसका डैमेज भी बढ़िया, हैवी रूनिक अटैक है भाई। अरे ये फटेगा अब, अरे फट गया साला, बम के गोले नहीं फट रहे भाई। 2 मिनट 48 सेकंड बचता है, मैंने 2 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव कर लिया है, 2.5 मिनट और सर्वाइव करना है बस, अपना काम हो जाएगा, अपना मतलब जीत जाएंगे यार, कहने का मतलब। तो बूम निकल 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 निकल, अरे यार चलो शाबाश, सारी एनर्जी लगा दी। ओ भाई एक्स 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 एक्स, अरे भाई यार ये फटते मुंह पे ही है आके सीधा, गजब ही बेइज्जती है एक तो, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अरे फटा, अरे चल छोड़ो इसको, अपने मुंह पे फटे इससे अच्छा निकल लो आगे। अरे यार ये पीछा कर रहा है मेरा, हथौड़ा मार मार के। एबिलिटी एबिलिटी, ये तो गया एक दो, आजा आगे थोड़ा सा, आगे थोड़ा सा, आगे थोड़ा सा, आजा आगे, चलो थोड़ा सा डैमेज पड़ा, ठीक है पर बहुत बढ़िया, चलो फिनिश। और कोई है पीछे? ये है ना, ये भी जा, अरे वो तो गया, क्या बात है सर। ये लो एक्सेबिलिटी, बूम एक तो गया, दूसरा आला भी जाएगा, वो भाई दहाब, क्या बात है। तो यार 3 मिनट सर्वाइव कर लिया है मैंने, 2 ही मिनट बचा है। क्या आप लोग को लगता है मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? प्लीज़ जल्दी जल्दी करके कमेंट में बताओ, क्योंकि ये वाला चैलेंज थोड़ा सा हार्ड है, पिछले वाले से फटेगा इस बार। तो चलो अभी तो मैंने डोज कर लिया आसानी से, इतनी सारी हेल्थ और रेंज पड़ी है मेरे सामने, मैं उठा नहीं रहा हूँ। मैं सोचता हूँ यार ये सब तो बच्चों का खेल है, आराम से मार दूंगा मैं इन लोग को। अरे भेड़िए तेरी माँ की बात, आह क्या कॉम्बो था ये, बूम ये मुंह पे कौन थूक रहा, विमल भैया खींच ले। अरे यार वहाँ तक रेंज नहीं दी गई इसकी,
बहुत बहुत दो गए। अरे यार फटा, अरे यार मुँह में ही फटते हैं भाई, मैं सही बताऊँ तो। चलो ये तीनों मरे। अरे तू तलवार घुसा दे अंदर साले नल्ले बेरोजगार। अरे चल निकल निकल निकल, क्या डैमेज है इसका, चल निकल निकल। अरे भाई डैमेज ही खतरनाक है इसका, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, चल निकल निकल। ओ कॉम्बो भैया, कॉम्बो खतरनाक है भाई, कॉम्बो ही तो बवाल है एकदम, कॉम्बो भैया फिनिश कर दे। ओ भाई ये स्लैश देखा, 45 सेकंड बचा है भाई, दो चार मिनट 15 सेकंड से ऊपर, 4 मिनट 20 सेकंड मैंने सर्वाइव कर लिया आसानी से। मेरे को लगता है यार मैं कर लूँगा आराम से, है ना, मैं कर लूँगा भाई। ये फटा, ओ भाई साहब ये गया। और कोई है मेरे अगल बगल आने वाला बंदा, कोई लौंडा कोई जिंदाबाद आदमी आ जा। ओ एक स्लैश में दोनों गए, क्या बात है। तो यार सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं, अभी कोई बड़ा मॉन्स्टर ना आ जाए, मतलब जिससे मैं हार जाऊँ, क्योंकि सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर अपने को थोड़ी सी रेंज बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत सही, थोड़ी सी हेल्थ, लेकिन ऑलरेडी फुल है यार, हेल्थ तो बहुत थोड़ी पड़ी रह देता हूँ ना अगर। और रे 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 कहाँ जा रहा है तू, ओ पे यार वेस्ट कर दिया इसने मेरा मूव। चलो चेन वाला मारते हैं भाई साहब इसको, ओ दो दो स्टन, तीनों स्टन, अभी तो तीनों को फिनिश कर दूंगा, बहुत बढ़िया। ओ भाई कलेक्ट योर रिवॉर्ड भाई साहब, एक और ट्रायल कंप्लीट हुआ, यह तो ये सर्वाइव 5 मिनट वाला मिशन तो मैंने कंप्लीट कर लिया आसानी से, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डेंजर एनिमी नहीं आया और कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो मेरे को हरा सके या 50% हेल्थ तक की जो ले जा पाया हो। मैंने हेल्थ उठाई ली है जब तक, तो सामने चेस्ट पड़ी है यार, अपने को ये उठानी है यार, रिवॉर्ड कलेक्ट करना है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ट्रायल जितने भी होंगे उसमें कम रिवॉर्ड मिलता है, ट्रायल बेस के हिसाब से यार रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन जब रियल फाइट होती है ना भाई, मतलब रियल वाला, तो उसमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। एंड ये रिवॉर्ड आपको इसी मैप में मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोग को बता दूं कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ ये वाले ट्रायल्स को कंप्लीट करके, क्योंकि ये वाले ट्रायल्स करना यार बहुत ज़रूरी है, इनको कंप्लीट करूँगा तो एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो भाई बहुत ख़तरनाक होने वाली है, समझ रहे हो। आप लोग को मैं दिखाऊँगा आगे। तो यहाँ पर जो है एनिमीज जो आएंगे वो हेल्थ को बहुत जल्दी रीजनरेट करेंगे, जो मरेंगे ही नहीं बहन, मतलब कहने का मतलब ये तो मर गया, अच्छा मैं समझ गया, एनिमीज़ ऐसे आएंगे जिनको मैं अगर सिंगल टाइम में फिनिश करूँगा, सिंगल मतलब टाइम में सिंगल कॉम्बो में अगर मैं फिनिश करूँगा, मारते जाऊँ और मरी जाएँ, वो तो मतलब मर जाएंगे। अगर मैं ऐसा करूँगा ना कि उनको थोड़ी हेल्थ जा रही है और फिर वापस से वो रिकवर कर लेंगे, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, अगर मैंने एक कॉम्बो में मारा और उसकी हेल्थ सारी गई 100%, तब तो वो मर जाएगा। अगर उसकी हेल्थ 90% या इससे कम गई तो भाई वो सारी की सारी हील कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला मिशन जो है थोड़ा सा दमदार लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक एक बंदे को एक ही बार में सिंगल हिट में या फिर कह लो सिंगल इसके कॉम्बो में फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉम्बो बढ़ते हैं तो हेल्थ जो है जाहिर सी बात है वो लोग रिकवर कर ले रहे इतनी फास्ट। तो इस वाले चैलेंज में थोड़ी सी दम है, लग रहा है इन लोगों ने सीरियस ले लिया मेरी बातों को कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता सहला। पर ओ भाई ये इन लोग के सर फोड़ने में कितना मजा आती है, वो एक बार में लो हेल्थ बढ़ गई इतनी देर में, जब तक मैंने एक्स मारी इसको पकड़ा जब तक पूरी हेल्थ बढ़ गई, बोम फिनिश। तो भाई साहब ये लौंडा, अरे मैं नीचे गिर जाऊंगा अभी, पावर ऑफ फैलकरी इज भाई ख़त्म। अरे यार कितना मारूं इन लोग को कुछ समझ ना आ रहा, मैं जितना भी मारता हूँ यार ये सब हेल्थ बढ़ा लेते हैं वापस से अपनी। ये तो छोटे मोटे हैं यार तब इतनी दिक्कत हो रही है, अगर कोई बड़ा मॉन्स्टर आ गया ना उसकी हेल्थ मैं ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगा इस हिसाब से, तो भाई मरेगा ही नहीं वो किसी तरह से। ये आया, ये है कोई लौंडा ताकतवर लग रहा। ओ भाई ये तो एक ही में गया, मेरे को लग रहा था ताकतवर, ये तो फुस के निकला यार। ओ ये सामने क्या बनाया इसने, अपना कवर बना के रखा है उसने। ओ ये भालू, अरे ये जाएगा एक ही बार में मरेगा। अरे नहीं भाई नहीं मर रहा, ओ ये मर ही नहीं रहा भाई, ख़त्म मर ही नहीं रहा भाई, स्टन हुआ लेकिन। चलो फिनिश करते हैं अपन, ये मरेगा कन्फर्म था। हाँ पावर ऑफ वैल्करीज बोम, ये सही लगता है मेरे को, पावर ऑफ वैल्करीज गॉड डिफेंस जितना भी कुछ मिलता है, ये भेड़ियों को पटकना पड़ता है तभी जाके मरता है यार, ये बड़ी दिक्कत है। और ये जो कवर में बैठा है ना इन लोग की भी बड़ी समस्या। अरे यार चलो ब्लॉक कर लिया था मैंने, इसने जो भी मारा मैंने ब्लॉक कर लिया। ओ भाई यार मिस। ओ चलो फिनिश, लास्ट हिट में फिनिश हो गया, बहुत बढ़िया। इसका ना ब्लेड ऑफ चेयर्स का इतना सारा डैमेज है फिर भी ना ये लोग इतनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं कि मर ही नहीं रहे,
और ये बहुत झंडू बम, ओ वार मरेगा मरेगा, ये मेरे हाथों से मरेगा। फुल डैमेज यार समझ रहे हो। तो ये वाला मिशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक एक एनिमी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले ले रहा है, साला मरता है। और इतनी फास्ट देखो कितनी जल्दी इसकी हेल्थ रिकवर हो रही है भाई, मैं स्लैश मार रहा हूँ उसके पहले इसकी हेल्थ रिकवर हो जा रही है और फुल हो जा रही है बार बार। गजब, मतलब इतना जल्दी, यो भाई 100% फिनिश। ये हुई ना बात, ये हुआ ना जलवा। ओ हार्ड होगा भाई, हार्ड होता जा रहा है दोस्त, हार्ड होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा हूँ ना भाई, मतलब फिर भी ये मरी नहीं। अरे इतने हिट, सारी की सारी एचपी ये लोग रिकवर कर रहे हैं, दबा के रिकवर कर रहे हैं भाई, क्विकली रिकवर कर रहे हैं, बहुत फास्ट रिकवर कर रहे हैं भाई। मेरा सारा वेस्ट जा रहा है, मेहनत, सारे कॉम्बोस, सारी अपनी जो एबिलिटीज़ है सब वेस्ट जा रही है, सारी पावर्स जो है ये मरते नहीं मादर। अरे ये मेरे को फिनिश कर देंगे भाई, मैं बता रहा हूँ ये मेरे को फिनिश कर देंगे। अरे बाबा भाग, अरे कितना मारेगा, अरे भाई ये 40-50% तक ले आएंगे मेरी एचपी, मेरे को पता है। इनको सिंगल में फिनिश करना पड़ेगा मेरे को, कस के मार के, पता है इतना तगड़ा वाला डैमेज देना पड़ेगा। मैं एबिलिटी भरने का वेट कर रहा हूँ, मैं सही बताऊँ तो एक तो गया, एक की तो एबिलिटी, अरे यार एक भी पॉइंट में, अरे मैं किसी को नहीं मार पाया यार। चलो ओके, कॉम्बो में फिनिश होगा ये, बच गया भाई, ये बच गया भाई। कॉम्बो में भी उसकी 100% अभी भी हेल्थ है यार, कितना लंबी हेल्थ है इसकी, इसकी भी हेल्थ है। मैंने इसको इतना मारा है, दूर फेंक दिया, बहुत बढ़िया। हेल्थ के मामले में भाई बहुत ज़्यादा रिकवर कर रही है लोग, बहुत ज़्यादा ही, मतलब देख रहे हो इतने कॉम्बोज और इतना सब कुछ। अरे धक्का दे के फेंक देनी चाहिए इसको, क्रेटोस नाले में फेंक दे साले को, जल जाएगा वैसे ही ये भाई। मरी नहीं रहा, कसम से मैं कह रहा हूँ मरी नहीं रहा। ये देखो कितनी फास्ट, कितनी क्विकली हेल्थ जो है वो सारी रिकवर कर रहा है। इसके एक सर के ऊपर एबिलिटी मारता हूँ, शायद से मर जाए ना भैया, कुछ नहीं हो रहा इसको। अगर ऐसे चार लौंडे आ जाए तो मेरा तो दिन निकल जाएगा इन लोग को मारते मारते भाई, बहुत दिक्कत है यार, कसम से कह रहा हूँ। अरे यार पेल 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 क्रेटोस पेल दे यार, कुछ तो समस्या है इन लोग के साथ, खोपड़ी फाड़ दे क्रेटोस को। एक और, अबे वो फुल हेल्थ हो गई इतनी देर में तो फुल पूरी की पूरी 100% हेल्थ हो जाती है। मेरे को कोई बड़ा कॉम्बो मारना पड़ेगा भाई, एक एक को सिंगल फिनिश करना पड़ेगा। ये मर ही नहीं रहे हैं यार, ये तो अमर हो गए हैं यार, ये मर काए नहीं रहे, फुल अमर है भाई। एबिलिटी नहीं, ओ भाई देख रहे हो हैवी डैमेज मार रहा हूँ, हैवी, तब भी नहीं मर रहा भाई, 50% हेल्थ भी नहीं जाती और वापस से रिकवर हो जाते हैं। गजब, ये मरेगा, आप कॉम्बो में आ गया ये अब कॉम्बो में, अबे नहीं मर रहा है भाई, पूरी की पूरी हेल्थ है भाई, इतनी देर से मार रहा हूँ, पूरी हेल्थ लिए बैठे हैं। अगर कोई वैल्करी ऐसे आ गए तो मैं तो गेम ही खेलना छोड़ दूंगा, मायू भाई इतनी ज़्यादा हेल्थ। एक मरा ना, एक नीचे गिर के मर गया, ठीक है बढ़िया है, ये भी मरेगा, एक दो। अरे यार कितनी फास्ट रिकवर कर रहा है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ कैसे मरेंगे ये लोग, अमर है बहन चोद भाई, मरी नहीं रहे। इसके ऊपर ना पूरी की पूरी वो मारनी पड़ेगी, एशेंट वाला पूरा का पूरा मूव एक सिंगल में मारना पड़ेगा, या तो इसको कॉम्बो में फिनिश कर पाऊँगा, इतना मुश्किल है भाई ये, कसम से बहुत मुश्किल है यार, मतलब ज़िंदगी ख़राब हो रही मेरी। मर गया वो भाई, नीचे चला गया क्या, ये भी बढ़िया था भाई। चल तो इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब, अरे यार अब वो गए तो ये आ गए तबाही मचाने। इन लोग को तो एक मूवी काफ़ी है, छोटे मोटे खिलाड़ी हैं ये लोग। अबे यार ये रह जाएगा, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, देखते हैं शायद से कॉम्बो में फिनिश कर पाऊँ मैं इसे भी। फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया। एक और आया, कॉम्बो, मर जा। अबे यार हैवी डैमेज देना इसको तगड़ा वाला। क्रेटोस की खुद ज़िंदगी झंड हो ही जा रही है मारते, क्रेटोस थक गया बेचारा, मूव रिपीट कर रहा है। ये स्लैश, ये बात, ये था ना बढ़िया स्लैश। ओ एबिलिटी, ये भाई नीचे फेंक दिया मैंने उसे पकड़ के, बहुत बढ़िया। ये वाला जो है, ये वाला मिशन बहुत हार्ड था भाई, कसम से कह रहा हूँ, ये मिशन ना भाई बहुत तगड़ा और बहुत हार्ड था। अभी एक आता, अरे ये एक और आया, तीन है भाई, दो पीछे भी है। ओके उन लोग के पास तो शील्ड है, मतलब मुश्किल होंगे मारने, इसके पास शील्ड नहीं है, ये थ्रोएबल लेके बैठा हुआ है और थ्रो करता है मेरे ऊपर, पर बचेगा नहीं, ये मरेगा यार, पूरा का पूरा कॉम्बो मार दिया एबिलिटी का, साला मरा ही नहीं भाई, दल्ला
इसमें से एक को तो ले जाऊंगा। आह चलो एक तो गया, एक और आ जा, दो रह गए। एक ये है, एक और पीछे शायद इसके, देखते क्या बनता है। स्लैश स्लैश और एक और है। ओ ये तो दो और निकल रहे हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। आह मर जा कॉम्बो में, क्या बताऊँ मैं। पावर ऑफ वैल्करीज भी मिल के कुछ नहीं उखाड़ पा रही है भाई, इतनी हेल्थ रिकवर कर रही है ये लोग इतनी जल्दी। स्लैश, ओ स्लैश में भी नहीं गया। ओ भाई सब अब जाएगा, चलो ठीक है कॉम्बो बन गया। ओके स्पेशल कॉम्बो बनता है ये, इसमें कोई बच ही नहीं सकता कभी नहीं। अभी कितने रह गए, एक आधा और होगा अभी। ओ ये रहा छुटकू पायलट, अभी जिंदा दो हैं भैया, एक एबिलिटी और एक कुछ नहीं हुआ। चलो एक्स की एबिलिटी से मारते हैं, एक दो तीन, एक तो निकल लिया। और ये, ओ भाई ये बीच में कहाँ से आ गया। चल निकल चल निकल 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 निकल। अरे यार ये भी साला रिकवरी इतनी जल्दी कर रहा है भाई, क्या बताऊँ मैं। कुछ तो तगड़ा रिकवरी कर रहा है, इसको उठने दो उठने दो एंड फिनिश। क्या बात है यार, एबिलिटी वेस्ट, एक तो वेस्ट कर दी मैंने। अभी ये एक बच्चा है, ये वाला भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैंने अगर और 10-5 मार लिए ना मैं पागल हो जाऊँगा, इतना हार्ड भैया जी कसम से। बोम, इन लोग के ऊपर सिंगल डैमेज का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, जब तक आप कोई हैवी अटैक नहीं मारोगे जब तक तो नहीं मरते ये लोग, कभी नहीं मरते ये लोग। चलो ये तो कॉम्बो में मरेगा, सर फूटेगा इसका, सही है गुरु। तो यार कलेक्ट योर रिवॉर्ड भाई साहब, ट्रायल कंप्लीट हुआ और ये वाला मिशन ना बहुत हार्ड था, तो फिलहाल तो अपने को रिवॉर्ड मिला है। एंड आप लोग को मैं बता दूँ, इसके आगे और भी बहुत सारे मिशंस हैं, मैं सारे के सारे खेलूंगा और आप लोग को करके दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आ रहा है यार तो लाइक करो, कमेंट में करके बताओ कैसा लगा वीडियो। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड गॉड ऑफ वॉर की ऐसे धांसू कमेंट देखने के लिए मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी यार और इधर यूट्यूब पे भी। मिलते हैं और नई वीडियो में, टिल देन सभी को बाय।